अब मैं कुछ एग्जांपल कुछ उदाहरण पूछूंगा, आप बताएंगे कि वो इसमें से कहां आएगा। समोसा खाके सुखी होने का प्रयास, लिख देता हूँ इसको ए लिख देता हूँ और इसको बी। आपको सिर्फ ये बताना होगा कि वो ए वाले में प्रयास आ रहा है कि बी वाले, ठीक है? तो समोसा खाके सुखी होने का प्रयास बी वाले में आएगा, उसको निरंतर तो नहीं हो पाएगा, थोड़ी देर के लिए होगा। इन्हीं वाले बोलेगी परीक्षा इस टाइम होगी। और कुछ चॉकलेट खाके बी, टीवी देख के बी, और मेरा मोबाइल बहुत महंगा वाला है ऐसा दिखा के मोबाइल हमारा बहुत महंगा है, हम दूसरे को दिखा रहे हैं तो दूसरा उससे हमारी तरफ ध्यान देता है, मोबाइल से हमको कोई संवेदना उस समय तो नहीं मिल रही, क्योंकि ना तो हम मोबाइल में कोई प्रोग्राम देख रहे और ना ही खा रहे, मोबाइल क्या कर रहे दूसरे को, और क्या कह रहे बहुत महंगा मोबाइल है, तो दूसरा उसमें ध्यान भी तो दे रहा है, तो अब हम दूसरे से भाव पाने का प्रयास कर रहे हैं, तो कहाँ आएगा दूसरे से भाव पाकर, ये भी कहाँ आ रहा है, दूसरे के हाथ की होगी तो आपकी तारीफ करेगा, अच्छा मोबाइल है, बहुत बढ़िया मोबाइल है, और अगर आपके साथ इश्यागन होगा, आपके साथ इश्यागन होगा, परेशान होगा, अगर आपके साथ वही जिसको आप मोबाइल दिखा रहे हैं उसके साथ संबंध खराब होंगे, तो जरूरी नहीं कि आपको उस मोबाइल दिखाने से आपको ना सही भाव हो, दुखी भी हो सकता है, दुखी होकर आपको बोल सकता है ऐसे मोबाइल जाने कितने लोग लिए दूसरे से भाव पाने का हमने प्रयास किया, इसमें भी निरंतरता नहीं है, लेकिन वही मोबाइल आप चला रहे हैं उसमें कुछ समझने का प्रयास कर रहे हैं, कुछ पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, लोगों से ठीक ठीक बात करने का प्रयास कर रहे हैं, तो उससे जो सुख मिल रहा है ये दूसरे से मिल रहा है, स्वयं की समझ से मिल रहा है, इसमें जो होगा वो कैसा वाला होगा, कभी क्या ए वाला कि बी वाला, ए वाला। महंगा जूता हमने खरीद के पहना कैसे बी वाला, और इसलिए हमने पहना है कि वो वाला जूता हमारे पैर के लिए बहुत आरामदेह है, हमारे पैर की सुरक्षा कर पाता है, ज्यादा जल्दी सब किससे आएगा, तो उसमें सुख की निरंतरता बने रहेगी, जब चाहे कोई आपके जूते पर ध्यान दे ना दे, अच्छा कहे खराब कहे, आपको लेकिन अगर दिखाने के लिए खरीदे हैं तो आप चार बार क्लास के सामने आएंगे और ऐसे ऐसे पैर खिलाएंगे, पैर थोड़े खिला कितने प्रयास आपने इसके लिए किए और कितने प्रयास इसके लिए किए, कौन सा वाला ज्यादा होगा, बी वाला ज्यादा है, होना कौन सा चाहते हैं, ए वाला, प्रयास किसके लिए होगा, बी वाला। अच्छा, जिस दिन छुट्टी होती है घर पर सब लोग घर में होते हैं
मम्मी पापा आए रहे हैं सब, उससे भी बहुत सारा प्रयास होता है, सुबह देर से उठ रहे हैं, हेल्दी नाश्ता बना रहे हैं कई तरह का, सब लोग मिल के खा रहे हैं, गेट खेल रहे हैं, फिर सो रहे हैं, फिर घूमने जा रहे हैं, फिर बाजार खरीदने जा रहे हैं, जब भी उसी छुट्टी में आप घर में लोगों के साथ बैठ करके सप्ताह भर में क्या अच्छा हुआ क्या अच्छा नहीं हो पाया भी बात कर सकते हैं ना, जो अच्छा नहीं हुआ उस समय क्या समस्याएं थी जिसके कारण ठीक नहीं हो पाया उसको भी बात हो रही है, और हम अपने अपने भाव को ठीक कर रहे हैं, अपने अपने भाव को ठीक कर रहे हैं, ये वाला समय कहाँ लगेगा, हम एक दूसरे से जो पिछली गलतियां हुई है उसको कैसे ठीक कर सकते हैं समझने का प्रयास कर रहे हैं, कहाँ आएगा अंतर समझ में आ रहा है, तो दो बातें मुख्य हैं, पहली बात हम निरंतर सुखी होना चाहते हैं ये तो सबको पता है, लेकिन निरंतर सुखी होने के लिए प्रयास जो कर रहे हैं वो प्रयास की जगह नहीं, प्रयास ऐसी जगह कर रहे हैं जहाँ से निरंतर सुख हो ही नहीं सकता, वहाँ सुख सुख के बाद दुख दुख के बाद सुख लगा ही रहेगा, उससे प्रयास करके तो निरंतर सुख नहीं, बहुत सारे लोग 40 साल 50 साल पूरी जिंदगी इसी में प्रयास करते रहते हैं, इसलिए वो लोगों का मानना ऐसा बदल जाता है कि निरंतर सुख तो हो ही नहीं सकता, सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख लगा ही रहेगा, लेकिन ठीक से समझा जाए और सही जगह प्रयास किया जाए तो निरंतर सुख भी, ये बात ठीक हो गई, अगर बी वाले से निरंतर सुख नहीं मिल सकता तो क्या बी वाला हम करना छोड़ दे, अगर बी वाले करना छोड़ ना छोड़े तो ए वाला मिलेगा कैसे, और छोड़ दे तो ये नहीं कैसे, पानी पूरी खाना छोड़ दे क्या, दूधा खाना छोड़ दे, दोनों को साथ में करेंगे है ना, ये बात तो उनको चीज कह रही है करा कौन साइना ने जो कहा दोनों को साथ में करेंगे और इस समझ के साथ करेंगे कि इससे जो कर रहे हैं इससे निरंतर सुखी हो ही नहीं सकते, तो हम इसको निरंतर सुखी होने के लिए कर भी लिए, ये बात अगर स्पष्ट है कि हम इससे निरंतर सुखी नहीं हो सकते और हम थोड़ी देर के लिए कुछ कर रहे हैं लेकिन इससे निरंतर सुखी नहीं हो सकते, हमको स्पष्ट है, अगर हमको स्पष्ट है तो हमने थोड़ा बहुत रसगुल्ला खा लिया थोड़ा पानी पूरी खा लिया सब खा लिया लेकिन हम उससे सुख ढूंढने का प्रयास नहीं, इतनी बात स्पष्ट है तो करने की क्या समस्या कब है, जब हम चाहते क्या है निरंतर सुख, और इसको पूरा करने का प्रयास किससे करते हैं, निरंतर सुख को पूरा करने का प्रयास किससे करते हैं, तब समस्या होगी, अगर आप इसका प्रयोग कर रहे हैं और आपको स्पष्ट है कि इससे निरंतर सुखी हो नहीं सकते और ना ही हम इससे निरंतर सुखी होना चाहते, थोड़े समय के लिए कुछ बदलाव चाहते हैं इसलिए कर रहे हैं, तो कोई समस्या नहीं, तो इसलिए पानी पूरी खाना छोड़ने की जरूरत है, रसगुल्ला खाना छोड़ने की जरूरत है, लेकिन ये जो तो नया नया जूता पहनकर पूरे क्लास वाले को दिखाते रहते हैं ये समस्या दूसरे की नहीं है, जो 500 किलो में
जब भी वो बात करते थे देखा बार बार देखा तुमने देखा नहीं है वो अंगूठिया दिखा देते थे वो उसी बात को लेकर सब लोग कहते थे आप तब अंगूठिया दिखा रहे बात कर रहे अब धीरे धीरे हम लोगों को अपने बारे में चीजों को ठीक से देखने का अभ्यास करना है जैसे कल ने कहा कि अपमान अभिमूल्य न मूल्य आप लोगों को ये तो बहुत जल्दी दिख गया कि कौन आपका अपमान करता है लेकिन आपने दिन भर में किसका किसका अपमान किया ये तो भूल ही जाते हैं और दूसरा जब कहता है कि आपने हमारा अपमान किया तो गुस्सा भी आ जाता है खराब भी लगता है इसीलिए नहीं लगता कि आपने किया नहीं था इसलिए कि आपको याद ही नहीं कि आपने किया तो क्या करना महत्वपूर्ण है अपने को भी देखना है या दूसरे को भी देखते रहे इसलिए अपने को देखने का ध्यान रखना जब हम अपनी कल्पनाशीलता को देखते हैं तो किसको देख रहे हैं अपने व्यवहार को जब देख रहे हैं तो किसको देख रहे हैं अपने हम क्या कर रहे हैं जब इसको देखते हैं तो किसको देख रहे हैं अपने आप फिर दूसरा क्या कर रहा है जब उसको देखते हैं तो किसको देख रहे हैं दूसरा ये नहीं बोल रहा है ये बोल रहा है ये पहन रहा है ये नहीं पहन रहा है ये देखते हैं तो किसको दूसरे हम क्या पहन रहे हैं पहन के हम दूसरे को क्या दिखा रहे हैं अब ये कौन सा वाला होता है तो अपने को भी देखना जरूरी है दूसरे को भी देखना जरूरी है लेकिन पहले किसको देखे अपने को देखते हुए जब दूसरे को देखते हैं तो ठीक ठीक आकलन करते हैं हम लोग थोड़ा अभ्यास करेंगे आज अपने को देखने तो एक अभ्यास ही करेंगे आज दिन भर हम इस बात के लिए ध्यान देंगे कि हम सिर्फ इसका हिस्सा कल तो बहुत हमारे पास लिस्ट बड़ी थी कि हमने किसका किसका अपमान किया आज दिन भर ये देखेंगे साथ वाले सत्र में मेरे से पूछूंगा तो आपको ये ध्यान रखना है आपको क्या देखना है आज से लेकर शाम के 4 बजे तक आपके द्वारा किसका किसका अपमान हुआ और उसमें अधिमूल्य अधिक अपमान था कम अपमान था कि अन्यथा अपमान था कैसा वाला अपमान ये सब देख सकते हैं अभी सुबह से लेकर शाम को 4 बजे तक देखेंगे 4 बजे के बाद वाला जो सत्र होगा आखिरी उसमें फिर पूछेंगे कल की तरह देखेंगे इसको यस सर एक काम के लिए करेंगे आज के लिए अगर कुछ भी इसमें मैं ध्यान दिलाते रहूंगा ठीक है आपकी तरह ठीक है अब हम लोग अपनी कल्पनाशीलता को देखने वाले अभ्यास के बाद कल्पनाशीलता को देखने का अभ्यास करेंगे अब उसमें ये बात ध्यान रखना आवश्यक है क्या कि आप जब कल्पनाशीलता को देखते हैं तो कल तक के अभ्यास से ये बात को स्पष्ट रूप में लिखने के काम को कल्पनाशीलता को जब देखने का हम आप अभ्यास करें तो एक बात को कल स्पष्ट हुआ था और जिससे बेचैनी बढ़ रही है उसी को क्या कह रहे हैं दुख तो कल तक ऐसा लगता था कि हमको सुखी और दुखी तो दूसरे करते हैं कल ये बात ध्यान में आई कि हमारी कल्पनाशीलता में हमको सुखी या दुखी कई कल्पनाशीलता में हमको आराम दे रही है उससे हम सुखी हो रहे कई कल्पनाशीलता जिससे बेचैनी हो रही है उससे हम दुखी हो तो दूसरे तो हमको सुखी दुखी करते ही है ना हमारी कल्पनाशीलता भी हमको सुखी दुखी करती है कई बार हमको लगता रहता था कि आज मन बहुत भारी हो रहा है मन ठीक नहीं है बेचैनी हो रही है ये दूसरे के कारण नहीं इसके कारण फिर हम लोगों ने कल ये तीसरी बात की थी कि जो कल्पनाशीलता में चल रहा है अगर वो आपको सहज सीधा होता है तो आप सुखी महसूस करते हैं आराम महसूस करते हैं अगर कल्पनाशीलता में कुछ ऐसा चल रहा है जो सहज सीधा नहीं है तो आप बेचैनी महसूस करते हैं और दुखी महसूस
ये कल बात थोड़ी अभ्यास करके अभ्यास में ये तो आपने कल देख लिया था कि किस कविता से इंसान सुखी हो रहे हैं, किससे दुखी, और आपको भाग देके बताया था। आज जब हम कविता संख्या को देखेंगे तो ये तो देखेंगे कि कितनी कविता संख्या चल रही है और किससे सुखी हो रहे हैं और किससे दुखी, लेकिन साथ साथ ये भी देखेंगे कि कौन सी कविता संख्या आपको सहज स्वीकार है, कौन सी सहज स्वीकार नहीं है। ये बात स्पष्ट हो रही है? दो मिनट एक दूसरे को डिस्टर्ब ना करें तो दूसरा ज्यादा गहराई भी ना पाएगा, क्योंकि अब कल्पनाशीलता सिर्फ सर्विस पे नहीं देखता है, उससे सुखी हो रहा है कि दुखी हो रहा है ये भी देखना है, सहज स्वीकार है कि नहीं है वो भी देखना है। आखिर बंद करके देखना चाहें बंद करके देख सकते हैं, आखिर खोल के देखना चाहें खोल के देख सकते हैं, ऐसा कोई जिसमें आपको आसानी हो, जिसमें आप आराम से देख पाए, क्योंकि हमारे सुख दुख से जुड़ा है और सबसे नजदीक वस्तु है जो हमको बार बार सुखी दुखी करती है। एक बार ये स्पष्ट हो जाए तो हम अपने बहुत सारे दुख को ठीक भी कर सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है कि पूरा दिन अच्छा अच्छा लगे खराब ना लगेगा, यहाँ पर काम है। इसलिए भी इस कल्पनाशीलता को बहुत गहराई से देखकर बहुत सारे काम हो सकते हैं। जब कल्पनाशीलता देखने लगती है तो कई बार हम उसी को देते हैं कि हम तो सिर्फ कल्पनाशीलता नहीं देते, कल्पनाशीलता देखते देखते उसमें हम सुखी हो रहे हैं कि दुखी हो रहे हैं ये भी देखना है, वो आपको सहज स्वीकार है कि नहीं है ये भी देखना है। तो मात्र कल्पनाशीलता के देखते में खो मत जाइए, साथ साथ ये भी होश बनाइए कि उससे आप सुखी हो रहे हैं कि दुखी हो रहे हैं, वो आपको सहज स्वीकार है या सहज स्वीकार।
कितने लोग ये भी देख पाए कल्पनाशीलता जो चल रही है उनको सहज स्वीकार नहीं। ठीक तो अब आप लोग क्या पहले मैंने देखा कि मैं मेरा एक्सीडेंट पहले मैं बहुत सारी जगह पे घूमने गई हूँ, मुझे मैंने बहुत सारी मस्ती की, घूमने सहज से कहा है और बस मैं सुखी हुई हूँ और फिर मेरा एक्सीडेंट हो गया और फिर मर गई हूँ, मुझे सहज से कहा नहीं है। आपको क्लास में बहुत बोलेगा उसको नहीं।
सिंपल क्लास में जो बहुत बोलेगा ना चलते समय उसको माइक दे, क्योंकि बोल ही रहा है इतना सारा, तो जो नहीं बोल रहे उनको माइक, ठीक है भाई। कौन बोलना चाहते हैं इसके बाद आपके पास? मेरा नाम अंजलि निमोड़िया है, मैंने ये देखा कि मैं अपनी नानी के यहाँ गई हूँ और मेरा एक छोटा सा पेट है, उसके साथ बहुत खेल रही हूँ मैं। तो इसमें सुखी महसूस की? सुखी। ये आपको पेट के साथ खेलना संस्कार है? संस्कार। और कह दो वो क्या क्या कहते हैं आपको चांदी लगता है? नहीं, वो संस्कार नहीं। पेट को पालते हैं तो पेट को वो गंदा भी कर देता है, तो उसको हम घर के अंदर नहीं लाते हैं, बाहर ही रखते हैं। अच्छा, उसका बाहर ही घर बनाते हैं। मेरा नाम नेहा इकबाल है, मैंने देखा मेरी भाभी आई है, उनका छोटा सा बेबी आया, मैं उसको मेरा नाम प्रथा सेन है, मैंने यह देखा कि मैं पुलिस बन गई हूँ और पुलिस की वर्दी पहनी हूँ और वो देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। लोग आपकी तरफ देख रहे हैं इसके कारण? सर, जो पुलिस की वर्दी पहन कर अच्छा कर रही है। अच्छा, पुलिस की वर्दी पहन कर क्या अच्छा कर रही है? सर, जो आज जुर्म हो रहे हैं वो पुलिस की वर्दी पहन कर लोग क्या खराब कर रहे हैं? रिश्वत ले रहे हैं लोगों से और जो कंप्लेंट करते हैं वो उन पे ज्यादा ध्यान नहीं देते। तो आपको सहज शिकार क्या है? रिश्वत लेना, ये सब ना करना या जो उनके साथ परेशानी है उसको दूर करना, तो तुम्हें क्या सहज शिकार? जो उनके साथ परेशानी है उनको दूर करना। आप किस लाइन में? नहीं बोला इसलिए इनको। मेरा नाम कौशिक है, मैंने देखा कि कीर्ति के साथ मेरी लड़ाई हुई, वो इसके लिए हुई कि वो बोतल लेके नहीं आती, मैं दो बोतल लेके आती है वो ले लेती हूँ, इसलिए लड़ाई हो गई हमको। तो इसमें क्या, किस चीज से सुखी हुई, किस चीज से दुखी हुई? मैं दुखी हुई इससे। किस चीज से? बोतल ले लेती उससे कि लड़ाई हुई? लड़ाई हुई इससे। बॉटल देने में, शेयर करने में सुख मिलता है, दुख मिलता है? सुख मिलता है, क्योंकि शेयर करना हमको सहज शिकार, इसलिए अच्छा लगता है। लड़ाई होना हमको सहज शिकार है नहीं, इसलिए लड़ाई करते हैं। आप इस लाइन का कौन कौन अपनी बात रखना चाहता है? एक, दो, हाँ, तीन, आप लोग रखना चाहते हैं? मेरा नाम राजीव प्रजापति है, मैंने ये देखा कि मेरी दीदी है गर्भापे की लड़की, उनको हर 15 दिन बोतल चढ़ती है, तो आज उनकी बहुत तबीयत खराब है, तो मुझे ये सहज शिकार नहीं है। मैंने देखा कि तलवी और मेरी लड़ाई हो गई, तलवी ने मुझे एक थप्पड़ मारा और मेरे को उसको मारा, तो ये मुझे शिकार है। मतलब उसने मारा, ये संस्कार है? नहीं। आपने मारा, ये संस्कार है? नहीं। दोनों ने एक दूसरे को मारा, ये संस्कार है? नहीं। मैंने पहले मारा और आपने बाद में मारा और दोनों ने संस्कार नहीं, तो दोबारा मारने से पहले क्या दोबारा मारेंगे या कुछ और करेंगे? कुछ और। क्या मारेंगे?
मार के भाग अब तक के दो दो बताए दियो क्या कर और लाइन के बाद से टेंशन हो गई हां बोला था पेपर देखो तो दिक्कत है सर सर कर भी सर मैं भी बोल मेरा नाम तन्वी राय है। मैंने देखा जबलपुर का स्टेशन और मैंने अपने सारे कजिन्स को देखा और उनके साथ में खूब मस्ती कर रही हूँ। ये मुझे सहज स्वीकार है और मैं बहुत खुश हूँ। तो जो आपके कजिन्स हैं उनके साथ जो मिलकर हम खेलते हैं एक तरह से जो रिलेशनशिप में जी पाते हैं तो सहज स्वीकार है इसलिए आप उसमें कोई मेरा कोई आदमी ऐसा हो ना जिसके साथ खेल रहे हैं जो आपसे थोड़ा बड़ा हो और बार बार बेटा आपको उठता हो कहाँ जा रहे हैं कहाँ जा रहे हैं सर ऐसा कोई भी नहीं अगर ऐसा कोई शामिल हो जाए तो सुखी महसूस करें अगर वो सही के लिए डांट रहे होंगे तो सुखी हो गलत के लिए डांट रहे होंगे तो दुखी तो बार बार अगर स्टेशन पे इधर उधर भाग रहे हैं और उसके लिए कोई डांट रहा है तो सही के लिए डांट रहा है कि गलत के लिए सर स्टेशन पे नहीं स्टेशन पे मैं बहुत ही घर पे मस्ती कर लूं मेरा नाम हर्षिता है मैं साथ में गई थी मेरा फोटो तो उसपे सुखी महसूस की थी सुखी क्यों सुखी महसूस की अंतर समझ में आ रहा है सुखी होकर कर रहे हैं
दूसरा सुखी होने के लिए कहते हैं। पहले तत्वा से इनका सह स्वीकृति के आधार पर चल रही है, हम सुखी हो जाते हैं, सुखी हो के बाहर कुछ करते हैं, सुखी होने के लिए इतना हम लोग अभ्यास किया। अब कल जब एक बार अभ्यास करेंगे तो इस बात को देखेंगे कितनी कल्पना क्षमता हमारी सह स्वीकृति के आधार पर चल रही है, कितनी इसको देखें। एक बार फिर मैं आपके नाम का आज आपसे लेकर के शाम के 4 बजे तक इस बात को देखते रहना है कि हमारे द्वारा कितने लोगों का अपमान हुआ, उसमें अमूल्यन अमूल्यन अधिकांतर कमातर अन्यथातर तीनों ही तरह का ध्यान बनाए रखेंगे। शाम के 4 बजे हम बात करेंगे, जैसे अभी आप ये कर रहे हैं, कॉपी बोल रहे हो, नंबर चला रहे हो, ये आपका व्यवहार सम्मान के उसमें काउंट होगा कि अपमान के? इसका अपमान हो रहा है इससे टीचर तो टीचर इस क्लास को कंडक्ट कर रहा है तो उसे व्यवस्था चाहिए, बिना व्यवस्था के वो अपनी बात कैसे कह पाएगा, कोई सुन पाएगा तो नहीं सुन पाएगा। आप उस व्यवस्था में व्यवहार डालिए, ये व्यवहार शिक्षक का अपमान है। शिक्षक का उदारता है कि आपके इस अपमान को पी रहा है, उसकी मजबूरी नहीं है, ये शिक्षक की मजबूरी नहीं है, उदारता है कि आपके अपमान को ये बात ध्यान में रहे कि कोई अगर हमारे अपमान को पी रहा है तो ये उसकी मजबूरी नहीं है। उदारता मतलब कि उस बात पर आपको जोर से डांटा जाए, आपको 20% दिए जा सकते लेकिन उसके बावजूद भी अगर कोई आपके द्वारा किए गए अपमान को टीका चला जा रहा है तो ये उसकी मजबूरी नहीं है, उदारता है आपके प्रति संबंध की। लेकिन उसके बावजूद भी आप बार बार किए जा रहे हैं तो ये आपके तरफ से क्या होगा, व्यवस्था में भागीदारी की अव्यवस्था। तो किसी के द्वारा किए गए अपमान को तब तक पीना तो ठीक है जब तक उससे पूरी तरह क्लास में अव्यवस्था ना खुद ही डिस्टर्ब होना है, लेकिन उसके कारण अगर दूसरे डिस्टर्ब होने लगे क्लास चलाना कठिन हो जाए तो क्या करना पड़ेगा, उसको करने दे या उसको रोके, रोकना पड़ेगा। तो अगर हम अपने व्यवहार के प्रति सजग होंगे और खुद ही देख पाएंगे हमसे ठीक नहीं हो रहा है, उससे अव्यवस्था फैल रही है, उससे सबको परेशानी हो रही है, तो आपको भारी क्लास में टोकने की जरूरत खत्म हो जाएगी, आपका सम्मान भी बना रहेगा, हमारा सम्मान भी बना रहेगा और क्लास भी व्यवस्था में चलेगी। इतना ही तो चाहते हैं हम सब, या आप ये चाहते हो कि छोटी छोटी बातों में टीचर आपका अपमान करे, या आप ये चाहते हो कि छोटी छोटी बातों में आप टीचर का अपमान करो, ये दूसरे का अपमान करके तो पढ़ना पढ़ाना बहुत पीड़ादायक होगा, पढ़ने वाले के लिए भी और लेकिन अगर एक दूसरे के सम्मान का हम ध्यान रख पाते हैं तो यही पढ़ाना बहुत जॉयफुल भी हो जाता है, पढ़ना भी जॉयफुल है ना, खुश होकर पढ़ पाते हैं, खुश होकर पढ़ा पाते। अगर छोटी छोटी बात में आपसे हमारा अपमान हो, हमसे आप हमारा हमसे आपका अपमान हो तो हम ही दुखी होंगे, आप भी दुखी होंगे, दोनों दुखी हो रहे हैं तो पढ़ना पढ़ाना तो बहुत कठिन काम नहीं करता। इसलिए हम अपने व्यवहार के प्रति दिनभर आज सजग रहेंगे इस बात को लेकर कि हमारे व्यवहार से कितनी बार अपमान हो रहा है, कितनी बार अपमान हो रहा है। लेकिन ठीक है, अच्छी है, इस उम्र में थोड़ा खेलेंगे, उत्साह है, ये अच्छी बात है, यही ब्रेक करते हैं।